बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी जवाहर नवोदय एंट्रेंस की प्रिपरेशन? तो बच्चा पार्टी, नवोदय की पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को टाइम टेबल पता चली गया होगा कि 11 बजे मैथ्स की क्लासेस आ रही है, जो उमेश सर और अमित सर ले रहे हैं। इंग्लिश 1 बजे आएगी, जो मैं ले रही हूँ। और शाम 4 बजे सूरज सर की मेंटल एबिलिटी की क्लासेस आ रही है। तो बच्चों, बिल्कुल भी कोई भी क्लासेस मिस मत करना, ताकि नवोदय इस बार हमारा सीट पक्का हो सके उसमें। तो बच्चों, चलो इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। बच्चों, कोई भी क्वेश्चन में पैसेज का इंस्ट्रक्शन जो होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए और बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ इंस्ट्रक्शन क्या लिखा हुआ है कि पैसेज हैज 5 क्वेश्चन, इस पैसेज में 5 क्वेश्चन हैं, एंड रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। बहुत ही ध्यान से हमें इस पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको ध्यान से आंसर करना है। तो बच्चों, दो अप्रोच रख सकते हो आप, या तो क्वेश्चन सारा पढ़ लो आप और फिर पैसेज पढ़ो, या फिर डायरेक्ट पैसेज पढ़ो। बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार सारे क्वेश्चन पर एक नज़र डाल लो, ध्यान से पढ़ लो, ताकि उसके बाद जब आप पैसेज पढ़ते हो तो वो पॉइंट जब आपको दिखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करते हो। तो पहला क्वेश्चन है, द फिफ्थ बाय चांस टच द ईयर एलिफेंट ईयर हियर बाय चांस, मीन्स क्या होता है? इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, ऑल द 6 ब्लाइंड मैन वेयर रॉन्ग टू से हाउ द एलिफेंट लुक लाइक बिकॉज। ये भी कुछ हो रहा होगा आपको, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बट एक बार आपको हो सकता है कि पता लग जाए कि ठीक है ये पॉइंट। सिर्फ इतना जानने के लिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ये पता चल जाए कि कौन से पैसेज में कौन से पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और कौन से नहीं है। फिर क्वेश्चन 3 पे आते हैं, द थर्ड ब्लाइंड मैन सेड द एलिफेंट इज लाइक अ स्नेक, ही सेड सो बिकॉज ही हैड टच द एलिफेंट। वो एलिफेंट का क्या टच किया था जो उसको एलिफेंट स्नेक के जैसा लगा था? क्वेश्चन 4, द फर्स्ट ब्लाइंड मैन द एलिफेंट लुक लाइक, मतलब जो पहला ब्लाइंड मैन था उसको एलिफेंट किसके जैसा लगा था? फिर 5वां है, 6 ब्लाइंड मैन नियर एन एलिफेंट टू फाइंड आउट, मतलब 6 ब्लाइंड मैन जो है वो एलिफेंट के पास क्या फाइंड आउट करने के लिए गया था? कुछ ज्यादा समझ तो नहीं आया, तो चलिए वापस पैसेज की तरफ चलते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं। हर एक सेंटेंस हम लोग ध्यान से केयरफुली पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस में जाएंगे, ठीक है? और हो सकता है कि बीच में आपको बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग नहीं भी पता हो, बट हमें एक अनुमान लगाना होता है। अगर आपको पूरे पैसेज का एक उतना हर एक वर्ड का मीनिंग ना भी पता चले, एक मोटा मोटी अनुमान हो जाए तो भी काम अपना हो जाएगा। तो पैसेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वेयर 6 ब्लाइंड मैन। तो एक वंस अपॉन टाइम मतलब किसी टाइम में वहां पर 6 ब्लाइंड मैन थे। दिस ब्लाइंड मैन हैड नेवर सीन एन एलिफेंट, और वो जो ब्लाइंड मैन थे वो आज तक कभी एलिफेंट नहीं देखे थे, बट दे वॉन्टेड टू नो वॉट द एलिफेंट लुक्ड लाइक। जैसे हर एक इंसान के मन में होता है कि हमें नया नया चीज जानने का उत्सुकता होती है, वैसे इनको भी था कि कभी एलिफेंट देखा नहीं था, तो वो सोच रहे थे कि एलिफेंट कैसा दिखता होगा, वो जानना चाहते थे। सो दे वेंट नियर एन एलिफेंट टू फाइंड आउट। तो इसलिए वो क्या किए, वो एलिफेंट के पास गए ताकि वो पता कर सकें कि एलिफेंट दिखता कैसा है। द फर्स्ट ब्लाइंड मैन वेंट अगेंस्ट द ब्रॉड साइड ऑफ द एलिफेंट। तो पहला जो, अब देखिए जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो आपको दिख रहा होगा कि कभी क्वेश्चन फोर्थ ब्लाइंड मैन से रिलेटेड था, कभी फर्स्ट ब्लाइंड। अब जब फर्स्ट ब्लाइंड मैन आ गया है तो हमें पता है कि इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन पक्का है, तो हम इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। द फर्स्ट ब्लाइंड मैन वेंट अगेंस्ट द ब्रॉड साइड ऑफ द एलिफेंट। वो क्या किए, जो फर्स्ट ब्लाइंड मैन था वो एलिफेंट एलिफेंट के ब्रॉड साइड मतलब चौड़े साइड पे पेट वेट के पास गया होगा। एंड ही इमिडिएटली सेड, और उसको छूते वो इमिडिएटली क्या बोला कि एलिफेंट मस्ट बी लाइक अ वॉल, क्योंकि वो ब्रॉड साइड पे था तो उसको टच करने पे वो एक वॉल जैसा दिख रहा था, ठीक है? तो अगर फर्स्ट ब्लाइंड मैन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता तो आप इजिली आप आंसर कर दोगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, द सेकेंड ब्लाइंड मैन गॉट होल्ड ऑफ द एलिफेंट टस्क। वो जो एलिफेंट का जो
व्हाइट कलर का जो टीथ टाइप का होता है वो उसने टच किया एंड ही क्राइड आउट और वो जोर से चिल्लाया, आई एम श्योर द एलिफेंट इज लाइक अ स्पीयर. उसको लगा कि एलिफेंट एक स्पीयर जैसा है. फिर है द थर्ड ब्लाइंड मैन हैपन टू टेक द एलिफेंट ट्रंक्स इन हिज हैंड. वो क्या क्या, तीसरा वाला जो था वो एलिफेंट का सुंड पकड़ा. He said confidently, और उसको पकड़ने के बाद वो कॉन्फिडेंटली बोलता है कि एलिफेंट मस्ट श्योरली बी लाइक अ स्नेक. आपने ऐसे क्वेश्चन पढ़ा होगा, स्नेक से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है. तो वो यहीं से है कि वो क्या पकड़ा था, वो ट्रंक पकड़ा था, एलिफेंट का सुंड पकड़ा था, जिससे कि वो कॉन्फिडेंटली बोल रहा था कि एलिफेंट स्नेक के जैसा है. फोर्थ वन स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड एंड फेल्ट टच द एलिफेंट्स ईयर. और जो फिफ्थ वाला जो था वो क्या किया, वो जाके एलिफेंट का ईयर पकड़ा. तो उस और वो कॉन्फिडेंटली बोला कि एलिफेंट इज लाइक अ फैन, क्योंकि वो ईयर पकड़ा था तो इसीलिए उसको लगा कि उसका जो एलिफेंट है वो एक फैन के शेप का है. सिक्स्थ एंड द लास्ट ब्लाइंड मैन फेल्ट द टेल. और जो सिक्स्थ ब्लाइंड मैन था वो टेल पकड़ा और वो बोलता है आई टेल यू ही क्राइड. वो जोर से बोला कि एलिफेंट इज लाइक अ रोप, क्योंकि पूंछ पकड़ा था तो उसको लगा कि एलिफेंट एक रोप के शेप का होता है, रोप मतलब रस्सी. एंड सो दिस ब्लाइंड मैन आर्ग्यूड. और क्योंकि हर एक इंसान हर एक डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट पकड़ा था और वो उसके अकॉर्डिंग इमेजिन कर रहा था, तो आपस में वो लोग लड़ने लगे. ईच वन सेड ही वॉज राइट. और वो लोग अपने अपने जगह पर सही थे, क्योंकि जो जैसा पकड़ जो जिस बॉडी पार्ट का पकड़ा वो इमेजिन किया कि एलिफेंट भी उसी शेप का होगा, बट एक्चुअली ऑल वेयर रॉन्ग. बट देखा जाए तो सब हम जानते हैं ना एलिफेंट कैसा दिखता है, तो सब अपने जगह पे सही थे बट सब अपने जगह पे गलत भी थे. तो क्वेश्चन है द फिफ्थ बाय चांस टच द एलिफेंट्स ईयर. जो फिफ्थ यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि जो फिफ्थ है वो बाय चांस किसको टच किया था, एलिफेंट्स ईयर को. तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बाय चांस का मतलब क्या हो गया. बहुत बार हम लोग रेगुलर भाषा में भी यूज करते रहते हैं कि बाय चांस पर्पसली. पर्पसली मतलब था जानबूझ के करना, तो जानबूझ के तो नहीं किया था, बाय चांस ही हुआ था. एक्सीडेंटली हाँ हो सकता है, मतलब एक्सीडेंटली हुआ था ना, अचानक से हुआ था, वो सोच समझ के तो किया ही नहीं था. तो एक्सीडेंटली इसका सही ऑप्शन हो सकता है. On being asked तो नहीं होता है बाई चांस. वो कोई इसको बोला तो नहीं था कि आप पर्टिकुलरली एलिफेंट का ईयर जाके टच करो, वैसा तो नहीं हुआ था. और मैटर ऑफ चॉइस, वो तो बस गया था और टच किया था. और जो बॉडी पार्ट अचानक मतलब बाई चांस कोई टच हो गया था, वो ये नहीं सोच के गया था कि उसको सिर्फ उसका ईयर टच करना है, तो ये भी रॉन्ग हो गया. तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो एक्सीडेंटली है. और बच्चों ये OMR शीट बेस्ड एग्जाम है, तो आपको एक OMR शीट होगी, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के बगल में ABCD दिया होगा. तो जैसे कि आप देख रहे हो कि B ऑप्शन सही है, तो इस पे जाके आपको सर्कल करना है और करेक्टली इसी पे सर्कल करना, क्योंकि ये जो OMR शीट है ये मशीन के द्वारा चेक होता है. तो आप अगर गलत ऑप्शन पे जाके सर्कल कर दोगे तो आपका मार्क्स नहीं मिल पाएगा और वो गलत हो जाएगा. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ऑल द सिक्स ब्लाइंड मैन वेर रॉन्ग टू से हाउ द एलिफेंट लुक्ड लाइक. मतलब कैसे वो लोग मतलब छो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट टच किए थे, उनको डिफरेंट डिफरेंट शेप का एलिफेंट लगा था, तो रॉन्ग कैसे थे, हाउ द एलिफेंट लुक लाइक. ठीक है, तो इसमें ईच ऑफ देम हैड टच्ड ओनली वन पार्ट ऑफ द एलिफेंट. हर कोई एक ही पार्ट किया था, टच किया था. सेकेंड ऑप्शन है ईच वन ऑफ देम सेड विदाउट कॉन्फिडेंस. कुछ लोग तो आप देख रहे थे ना इसमें कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे कि हाँ वो जो टेल टच किया था वो बोल रहे थे कि नहीं मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ कि ये स्नेक के जैसा दिखता है. तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया. आप हो सकता है कि आपको कभी एक या दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो, बट और जब हम और उसको और डिटेल में देखते हैं तो आप उस दोनों ऑप्शन में भी एक ऑप्शन करेक्टली चूज कर पाओगे. They argued on their views again and again. बार बार तो नहीं, वो तो एक बार ही बोले तो ये भी गलत हो गया. They had decided to oppose each other. मतलब वो लोग एक दूसरे का बात काटने का सोचे थे, ऐसा भी नहीं था, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया. तो जब पहला वाला ऑप्शन पढ़े थे तो कुछ अच्छे से समझ नहीं आया था कि यही ऑप्शन होगा, बट जब ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो गया
तो ऑप्शन नंबर ए सही है। और इसमें इसको आप ओएमआर शीट में जब करोगे तो आप कैसे फिल करोगे, आप ए ऑप्शन पे जाके सर्कल करोगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द थर्ड ब्लाइंड मैन सेड द एलिफेंट इज लाइक अ स्नेक। जो तीसरा ब्लाइंड मैन था वो बोला कि एलिफेंट इज लाइक अ स्नेक। ही सेड सो बिकॉज ही टच्ड द एलिफेंट्स। वो एलिफेंट का कौन सा बॉडी टच पार्ट टच किया था जिसके कारण वो बोला कि एलिफेंट स्नेक के जैसा दिखता है। तो ये आप कहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे श्योरली। और वो टच क्या किया था, एलिफेंट का ट्रंक टच किया था। तो इस सेंटेंस से आपको, अगर आप ये थर्ड वाला यहाँ से इस पे ध्यान, इस सेंटेंस पे ध्यान दिए होते तो यहाँ से आपको पता चलता कि जो थर्ड ब्लाइंड मैन था वो ट्रंक को टच किया था जिसके कारण उसको लग रहा था कि स्नेक के जैसा है। तो ट्रंक कहाँ पे है, डी में है। तो डी ऑप्शन सही है। और इसमें भी ए बी सी डी में आप डी को जाके सर्कल करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट ब्लाइंड मैन द एलिफेंट लुक लाइक। तो जब फर्स्ट ब्लाइंड मैन को एलिफेंट क्या लगा था, यहाँ पे देखिए, द फर्स्ट ब्लाइंड मैन वेंट अगेंस्ट द ब्रॉड साइड ऑफ द एलिफेंट। ही इमिडिएटली सेड द एलिफेंट मस्ट बी लाइक अ वॉल। एलिफेंट किसकी जैसा है, वॉल के जैसा है। तो यहाँ वॉल कहाँ है, थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड सही हो गया। इसमें भी आप ए बी सी डी में आप सी को जाके सर्कल करोगे। फिफ्थ क्वेश्चन पे जाते हैं। सिक्स ब्लाइंड मैन वेंट नियर एन एलिफेंट टू फाइंड आउट। जो छो ब्लाइंड मैन थे वो एलिफेंट के पास क्या जानने को किए, क्या फाइंड आउट करने को गए थे। तो ए है व्हाट द एलिफेंट लुक लाइक, सही लग रहा है। व्हाट वाज द साइज ऑफ ट्रंक ऑफ एलिफेंट। ये पर्टिकुलरली ट्रंक का साइज फाइंड करने तो नहीं गए थे, तो ये तो कंप्लीटली रॉन्ग है। फिर है व्हाट द कलर ऑफ एलिफेंट, नहीं ये भी बिल्कुल नहीं। व्हाट द एलिफेंट टेल लुक लाइक, ये पर्टिकुलरली टेल के बारे में तो नहीं। तो पहला ही ऑप्शन सही हुआ। और इसमें भी आप ए बी सी डी में आप ए पे जाके सर्कल करोगे। तो बच्चों फर्स्ट पैसेज हमारा कंप्लीट हो गया है। और कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें इसमें से कितने आंसर्स आते थे और कितना डिफिकल्ट लगा तुमको ये पैसेज। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सिंपली मतलब है कि पढ़ के अच्छे से उसको कॉम्प्रिहेंड करो। और मस्ती मस्ती में, ये तो आपको मैथ्स और मेंटल एबिलिटी जितना हार्ड भी नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें तो बहुत सारा पढ़ना होता है। इसमें तो ज़्यादा पढ़ना भी नहीं होता है, बस एक बार समझ लो और उसके बाद सारे क्वेश्चन के आंसर। और बच्चों ध्यान रखना कि आप ट्राई करो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को आप पढ़ो और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को आप आंसर करो, क्योंकि इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप मैक्सिमम स्कोर करोगे। तो अब फिर से इंस्ट्रक्शन आप ध्यान से पढ़ना। तो यहाँ पे है कि इंस्ट्रक्शन की पैसेज हैज 5 क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। इसमें भी हम पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं सारे, और उसके बाद हम पैसेज को पढ़ेंगे, ताकि पैसेज पढ़ने में हमें थोड़ा आसानी हो और पॉइंट्स पता चल जाए। तो हाउ मेनी इन्वेंशंस मेड बाय एडिसन एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर। इसमें सिंपली पूछ रहा है कि एडिसन कितना इन्वेंशन किए थे एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर। चलो क्वेश्चन थोड़ा बहुत पता चल गया है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। एडिशन सक्सीडेड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर। कितने एक्सपेरिमेंट के बाद एडिशन सक्सीड हुए थे इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में। उनको कितने एक्सपेरिमेंट के बाद उनको सफलता हासिल हुई थी इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए। फिर थर्ड है फॉर हिज सर्विस एडिशन वॉज, मतलब एडिशन को क्या मिला था वो जो इतना सारा सर्विस किए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशन लर्नड अलॉट फ्रॉम। एडिशन किससे सबसे ज़्यादा सीखे थे एंड एडिशन क्या थे, एडिशन वॉज अ। तो क्वेश्चन हमने देख लिया है, अब हम पैसेज की तरफ चलते हैं। एडिशन वॉज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। यहीं से आपको लास्ट क्वेश्चन का आंसर पता चल गया। मैंने जानबूझ को वो क्वेश्चन, देखिए मोस्टली क्या होता है कि पहला क्वेश्चन जो आप पढ़ोगे वो फर्स्ट ही पैसेज में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। सीरियल वाइज होता है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर स्मार्ट हो तो हो सकता है वो क्वेश्चन शफल कर दे, पहला वाला आखिरी, आखिरी वाला पहला, कुछ भी कर दे। बट हम हर तरीके से तैयार रहेंगे ताकि हमें एग्जाम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो पहला क्वेश्चन, हाँ तो हम पैसेज की तरफ चलते हैं। एडिशन वॉज एन अमेरिकन साइंटिस्ट।
एडिसन क्या थे, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे. ही किसके लिए यूज किया गया एडिशन के लिए. ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली. वो क्या करते थे, हर एक सामान को बहुत ही क्लोजली, बहुत ही नजदीक से देखते थे. ही डिड अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट. वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे. सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वेर सिली. कुछ कुछ तो सब एक्सपेरिमेंट तो अच्छा नहीं होगा, कुछ कुछ बहुत ही सिली, बहुत ही बेकार होता था. बट क्या होता था कि ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम. वो जो अपना मिस्टेक करते थे उससे भी सीखते रहते थे. तो बच्चों हमें भी हमेशा जिंदगी में क्या, आप मिस्टेक तो हर किसी को करना चाहिए, लेकिन उसके साथ जरूरी होता है उसे सीखना. तो वो भी बहुत महान व्यक्ति थे. तो वो क्या करते थे, अपनी गलतियों से सीखते थे. ही इन्वेंटेड ग्रामोफोन इन 1788. वो ग्रामोफोन इन्वेंट किए थे 1788 में. ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वॉशिंगटन. और इनके यही सब खूबी के कारण उनको व्हाइट हाउस, जो वॉशिंगटन में, वहां इन्वाइट किया गया था. ही वेंट देयर टू शो हिज टॉकिंग मशीन टू द प्रेसिडेंट. वो वहां पे उस शो में गए और अपना जो टॉकिंग मशीन था वो प्रेसिडेंट को दिखाए. द एडिशन मेड 40 वॉर टाइम इन्वेंशन. मतलब इतने बार वो इन्वेंट किए थे. ही वॉज अवॉर्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस. और उनके यही सब के कारण उनको मेडल मिला था उनके सर्विस के लिए. हिज मोस्ट फेमस इन्वेंशन वॉज इन्वेंशन ऑफ बल्ब इन 1880. उनका सबसे फेमस जो इन्वेंशन था वो था इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन, जो 1880 में हुआ था. ही सक्सीडेड इन मेकिंग अ इलेक्ट्रिक बल्ब नियरली अबाउट 1200 एक्सपेरिमेंट. मतलब 1200 एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो इलेक्ट्रिक बल्ब बना पाए थे. बाप रे, इतने बार तो हैट्स ऑफ. सही में ये बहुत महान व्यक्ति थे. तो अब क्वेश्चन है, हाउ मेनी इन्वेंशन मेड बाय एडिसन एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर. वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कितना था, 40. तो यहाँ पे 40 दिख रहा है, तो सी आंसर सही होगा. इसमें भी आप ए बी सी डी में डी सी पे जाके आप सर्कल करोगे. और OMR शीट में, मैं फिर से बोल रही हूँ, आप बहुत ही ध्यान से सारे आंसर्स को फिल करना, वरना आपका आधा जाता क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा. फिर है, एडिशन सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर कितने एक्सपेरिमेंट के बाद एडिशन जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब. तो यहाँ पे हमने लास्ट लाइन में पढ़ा था कि ही सक्सीडेड. देखिए एकदम बिल्कुल ही उतर के आ गया है यहाँ से, इस लाइन से क्वेश्चन, कि ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब ओनली आफ्टर 1200, यानी 1200. तो यहाँ पे ऑप्शन में बी में दिख रहा है हमें 1200. यहाँ पे भी आप कैसे करोगे फिल, बी में जाके आप सर्कल करोगे. फिर है, फॉर हिज सर्विस एडिशन वॉज, उसके सर्विस के लिए एडिशन को क्या मिला था. यहाँ पे इस लाइन से आप देखो, ही वॉज अवॉर्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस. उनको एक मेडल मिला था. तो ए ऑप्शन ही सही हो गया. तो यहाँ पे भी आप ए बी सी डी में ए में जाके सर्कल करोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशन लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम. एडिशन किन से बहुत कुछ सीखे थे. तो यहाँ पे देखो, ही लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम देम. देम किसके लिए है, यहाँ पे लिखा हुआ था सिली. द एक्सपेरिमेंट वेयर सिली. तो यहाँ पे डी ऑप्शन में आपको दिख रहा है हिज सिली एक्सपेरिमेंट्स. तो डी ऑप्शन सही है. यहाँ पे भी ए बी सी डी, डी पे जाके आप सर्कल करोगे और ये आपका करेक्ट आंसर होगा. फिर लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज के. एडिशन वाज अ क्या, वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट. वो क्या थे, साइंटिस्ट थे. तो बच्चों अगर ये क्लास आपको नवोदय की पाठशाला की पसंद आई हो तो थैंक यू. एंड इस वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना. और हर शाम 5 बजे सरकारी परीक्षा की वेबसाइट पर डेली क्विज आ रही है 5 बजे. तो आप जाके उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करो ताकि आपकी एग्जाम में आपको बिल्कुल भी डर ना लगे और अच्छे मार्क्स आ सके. थैंक यू.